सत्ता त्रिगुणम अविवेकी विषयी सामान्य चेतना तद्विपरीतस्त उपमांचक, जिसका अर्थ होता है कि ये प्रकृति जो है तीन गुणों वाली है, सत है, रज है, तम है, और पुरुष जो है वो उसके पास चेतना तो है लेकिन वो निर्गुण है, उसके पास कोई गुण नहीं है। ऐसा पुरुष, ऐसी चेतना जो ब्रह्म है, और प्रकृति जो माया से लिप्त है, अर्थात ये क्षेत्र जहाँ आप हैं माया के बीच और प्रकृति, जीव और जीवात्मा के प्रति, आत्मा और परमात्मा के बीच एक संबंध, दो धारा हो गई, आपका शरीर, आपका मन, और दोनों को जोड़ने वाली धारा जो होती है ज्ञान की धारा होती है, वही त्रिवेणी है जो इस क्षेत्र में आकर के इस जमीन पर बैठने के बाद आप अपने शरीर से जब अपने आत्मा से जुड़ने लगते हैं, अर्थात गंगा जमुना के श्वेत और श्यामल जल के बीच आप ऊर्ध्वगामी ज्ञान की उस धारा से जब जुड़ने लगते हैं, तब संगम स्थान का संगम आपके मन और आत्मा का, शरीर और आत्मा का, आत्मा और सभी तीर्थों के अधिपति, सभी तीर्थों के देवता यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारा ये सौभाग्य होता है, आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम इस संगम क्षेत्र में, इस स्थल पर यहाँ उपस्थित होकर के ज्ञान की इस तीसरी धारा जो बह रही है, हमारे कानों से होते हुए हमारे मन तक जा रही है। हम उसे, जैसे हवा चल रही है, आप चाहें या न चाहें, आपके बदन को, आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, उसी तरह से ज्ञान की वो धारा जो आपके कानों से आप चाहें या ना चाहें आपके अंदर जा रहा है, आप उसको कितना ग्राह्य करते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप नहाने के लिए नल के पानी से भी नहा सकते हैं, गंगा में भी स्नान कर सकते हैं, जमुना में भी कर सकते हैं, और संगम में भी कर सकते हैं। उसी तरह से ज्ञान की जो धारा बह रही है, उस धारा को आप कितना आत्मसात करना चाहते हैं, कितना अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, ये इस संगम क्षेत्र में आने के बाद इसका एहसास होता है। आप देखें, आप अभी इस क्षेत्र से थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ बढ़ें, आप देखेंगे कि हर चार कदम पे, हर छः कदम पर, हर दस कदम पर आपको कोई न कोई ऐसा संत मिल जाएगा जो आपको ज्ञान की बात बताता हुआ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। अब हम दो चीज़ें वहाँ भी हैं, उसके अपने कारण और उसके कारण, जो वो कह रहा है आपको उस पर संदेह हो सकता है कि स्वयं भी इसका पालन करता है कि नहीं करता है, वो क्या करता है इससे हमारा अभिप्राय नहीं है, उसके वाणी से, उसके द्वारा जो ज्ञान की बात आ रही है, डॉक्टर जैन जब आपको बताते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है यहाँ से जाने के बाद, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए जो उसका अनुभवी है, ज्ञाता है, जिसको आप फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, वो यही तय होता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा उपयुक्त होगा, वो डॉक्टर जैन ही तय करते हैं। ये कार्य करने की सामर्थ्य उन्हीं के अंदर है, अन्यथा कोई भी कर सकता था इस बात को, इसका निर्धारण वो करते हैं, और जब उसको वो व्यक्ति उसी स्थिति में करता है तो उसका लाभ आपको तत्काल मिलता है, ज़्यादा मिलता है अपेक्षा उसके जो उसका कम जानकार होता है या जिसको उन्होंने मार्गदर्शित नहीं किया है। उसी तरह से ये क्षेत्र भी है, इस क्षेत्र में भी जो जिस पथ का अनुगामी होता है, जिसकी जिस तरह की इच्छा होती है, अगर कोई शक्ति का उपासक है, शक्ति की आराधना, कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, उसी तरह से जितनी ही धारा उसकी भी बह रही होती है, हमें उसे अंगीकार करना होता है, स्वीकार करना होता है। ये ज्ञान की तीसरी धारा, मैं इस विषय में बहुत कुछ कहूँ, इससे अच्छा ही है कि अगर आप इस विषय पर कुछ और बात करना चाहते हैं, हम भाषण दें, हम प्रवचन करें, इससे अच्छा ये है कि अगर इस पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, या इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग अपनी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा कर सकते हैं, इसी विषय पर पूछ सकते हैं, या इससे इतर भी कोई आध्यात्मिक बात, दर्शन की बात, ज्ञान की बात,
आप कर सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो, या आप अगर और कुछ सुनना चाहते हैं तो इसके आगे भी, जब तक आप तक खाने की थाली नहीं आती है तब तक ज्ञान की थाली बहती रहे, लगती रहे। तो आप में से अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है। आप लोगों का कोई भी कोई क्वेरीज हो संगम के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, तो आप सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई क्वेरीज हो। आप आए हैं तो 4-5 घंटे 6 घंटे जो है पूरा यहाँ इंजॉय करिए, पूरा यहाँ का जो आध्यात्मिक है शक्ति है उसको लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाने का पर्पज कुछ है। तो जमुना का पानी इधर से आता है, इस तरह से गंगा का पानी इधर से, दोनों पानी मिलता है तो पानी किधर जाता है? महासागर कुछ जगहों पर ये धारा जो होती है पूरब की तरफ बहती है, लेकिन दो ऐसे जगह हैं जहाँ वो धारा विपरीत दिशा में मुड़ती है, उसको पश्चिम वाहिनी गंगा कहते हैं। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ भी अभी आप जाकर देखेंगे कि गंगा आ तो रही इधर से, लेकिन यहाँ से आने के बाद पश्चिम तरफ उधर जा रही है और उधर से आ रही जमुना जिसे वहाँ संगम हो रहा है। इधर से जा कर के संगम नहीं हो रहा है, यहाँ से पश्चिम मुड़ रही है वहाँ जाके संगम हो रहा है। इस बार बहुत सालों के बाद ऐसा अवसर आया है कि पश्चिम वाहिनी गंगा का संगम हो रहा है।